रकम हो गई। पहली बार कोई पाकिस्तानी वजीर आजम भारतीय हमनसब की हलफ बरदारी में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुँच गया। नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज, मुशीर खारजा सरताज अजीज और तारिक फातमी भी हमरा। नवाज शरीफ कहते हैं भारत के साथ ताल्लुकात अवलीन तरजीह हैं, दोनों ममालिक में मुजाकरात ही तमाम मसाइल का हल है। एक अरब 25 करोड़ आबादी वाले भारत में सिर्फ 24 वजीर होंगे। साबिक भारतीय आर्मी चीफ वीके सिंह को वजीर दिफा बनाए जाने का इम्कान। तौहीन आमेज प्रोग्राम पर सुप्रीम कोर्ट में जियो के खिलाफ दरखास्त आए, कोयटा में जंग और जियो के खिलाफ तलबा की रैली। लाहौर हाई कोर्ट बार का हंगामे इजलास, करारदाद लाने पर वकला की हंगामा राय और नारेबाजी। इजलास मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। इमरान खान का कहना है इंतखाबात में नवाज शरीफ, इफ्तिखार चौधरी और मीर शकील की ट्राइका ने धांधली कराई, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। कराची में अल्ताफ हुसैन से इजहार यकजहती के लिए एमक्यूएम के कारकुनों का जलसा। अल्ताफ हुसैन कहते हैं कारकुनों ने पूरी दुनिया पर वाजे कर दिया कि अल्ताफ हुसैन तनहा नहीं। शहर कायद के इलाके से जानी टाउन से 3 लाशें बरामद, इत्तेहाद टाउन में पुलिस मुकाबला, लियारी गैंग वॉर से ताल्लुक रखने वाले 3 मुल्ज़िम मारे गए। पिशावर में सेशन जज की अदालत में फायरिंग, एक शख्स जख्मी, एक मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिया गया। फैसलाबाद के नवाही इलाके समुंदरी में मुस्लिम लीग नून के एमपीए का डॉक्टर पर तशद्दुद, एमपीए रऊफ काशिफ का कहना है डॉक्टर मरीजों से बदतमीजी कर रहा था, शिकायत पर पहुंचा। लाहौर की 5वीं सालाना अदबी कॉन्फ्रेंस 3 रोज बाद खत्म, आखिरी रोज गुलुकारा की नसानी की आवाज़ ने सब पर जादू कर दिया।